हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बैंकर्स लैब। आज हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन देखेंगे और एक कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम जो कि बहुत से बच्चों को जहां पे कंफ्यूजन होता है ऐसा एक प्रॉब्लम हम इस वीडियो से देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फिर क्या है वो प्रॉब्लम। देखिए 6 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 है इज इक्वल टू, यही वो प्रॉब्लम है जो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है। और अब अगर आप ये क्वेश्चन सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे भी अपलोड कर दोगे या फिर कहीं पे भी किसी ने अपलोड किया है तो आप देख सकते हो कि हर एक का आंसर अलग है। लगभग 50% लोगों को ये लगता है कि इसका आंसर 9 है और 50% लोगों को लगता है कि इसका आंसर 1 है। तो जो दो तरह के जो इसके टेक्निक है सॉल्व करने के, तो वो दोनों भी मैं मतलब दोनों नहीं बताऊंगा, जो सही है वो बताऊंगा। तो चलिए देखते फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे दिया है और 1 प्लस 2 है और ब्रैकेट्स भी हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हम चलेंगे हमारे बॉडमास रूल की तरफ। क्या कहता है बॉडमास रूल? बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि बॉडमास में जो पहला बी और ओ, ये जो दो अल्फाबेट्स है, तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स ओपन। लेकिन इसका मतलब ब्रैकेट्स ओपन ऐसा नहीं होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑर्डर्स, डी एम मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई, और ए एस एड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ब्रैकेट्स के बाद में जो ऑर्डर्स आता है उसका मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का जो दूसरा जो वर्ग है या फिर उसका जो स्क्वायर है या फिर एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 4, जो भी जो कुछ भी हो, और एक्स का रूट में अगर जो है मतलब माइनस में जो पावर है उसकी, तो वो सब ऑर्डर्स में आता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स अलग है और एक जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होती है वो हम बॉडमास से देखते हैं, ठीक है। बॉडमास से मतलब जैसे डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन से पहले करते हैं, तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एडिशन सब्सट्रैक्शन की ऑर्डर, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं या फिर ब्रैकेट्स इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो हमारे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से सबसे पहले जो है हम ब्रैकेट्स को इवेल्युएट करेंगे, तो उस हिसाब से ये वाला पार्ट जो है जो कि मैंने ब्लू किया है, हाईलाइट किया है, वो पार्ट हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो बॉडमास के हिसाब से अगर हम ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट वाला पार्ट इवेल्युएट करने के बाद में उसमें आएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 1 प्लस 2 3 हो गया। अब जो है हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है। तो अब देखिए ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट को एग्जीक्यूट कर लिया, इवेल्युएट कर लिया है। अब हमारे पास बचा है सिर्फ 6 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में है 3, मतलब ब्रैकेट में जो कुछ भी ऑपरेशन था, प्रोसेस थी, वो हमने कर दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में इवेल्युएट करने के लिए कुछ बचा नहीं है, सिर्फ 3 बचा है। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, ये जो ब्रैकेट बचा है। तो ब्रैकेट का मतलब तो वही होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, 6 है, डिविजन का साइन है, और 2 इंटू 3 मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो फिर से बॉडमास देखेंगे एक बार। देखिए डिविजन और मल्टीप्लीकेशन, इनमें ये इन दोनों की जो प्रायोरिटी है, डिवीजन के सिंबल की और मल्टीप्लिकेशन के सिंबल की, तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो इसमें जो वाला सिंबल पहले आएगा वो हम पहले सॉल्व करते हैं, यही होती है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो उस हिसाब से 6 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला जो पार्ट है जो कि मैंने हाईलाइट किया है वो हम पहले सॉल्व करेंगे, और 6 डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 3, और जो रिमेनिंग पार्ट जो है 3 वाला वो 3, तो 3 इंटू 3 ये आपके पास बच जाएगा और इसकी वजह से आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। तो दोस्तों ये था बॉडमास का रूल, ये आप रख सकते हो, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है 9 है न कि 1। बहुत से बच्चे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो 6 डिवाइडेड बाई 2 है तो उसमें पहले ये 1 प्लस 2 3 कर लेते हैं, उसके बाद में 2 इंटू 3 6 करते हैं, और 6 डिवाइडेड बाई 6 इसका आंसर 1 ऐसा सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा इसका आंसर नहीं है। तो जो बॉडमास का रूल है मैंने आपके सामने रख दिया है, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके या फिर ये रट ले सकते हैं। एक बार रट लिया तो फिर आपका सभी जो है खत्म हो जाएगा और आप सभी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में ऑर्डर्स नहीं थे, आने वाले कुछ समय में हम ऑर्डर्स वाले भी क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिसका उन्हें भी फायदा हो और आपको जो है एग्जाम्स में इसकी हेल्प हो। थैंक यू दोस्तों।